हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पास इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। लेसन अपना चल रहा था सेकंड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में अपन लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात की थी। लास्ट क्लास में डिस्कस अबाउट द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। यू अपन ने डेरिवेशन कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज 45 grams of ethylene glycol. Formula of ethylene glycol is CH2 single bond OH, CH2 single bond OH. That is the ethylene glycol, dialcohol hai ye, is dissolved in 600 gram of water. Calculate the freezing point of solution. Here Kf is equal to 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल। ठीक है सर, आपको क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस टीएफ कैलकुलेट करना है ना। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे अपन। सॉल्यूशन की बात करेंगे इसके। नाउ द अमाउंट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज द एथिलीन ग्लाइकोल 45 ग्राम है ना। अमाउंट ऑफ कितना हो गया 45। नाउ नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट मींस वाटर 600 ग्राम। What will be found? Freezing point. Freezing point temperature calculate. चल ना इस तरह बोल। सबसे पहले डेल टी एफ कैलकुलेट कर दे, इजी गोइंग में आ जाएगा। डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू व्हाट, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन व्हाट डब्ल्यू ए, दैट इज द फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो रख दो, के एफ आप लोगों को दे रखा है, डब्ल्यू बी आप लोगों को दे रखा है, ये है डब्ल्यू बी है ना, ये है डब्ल्यू ए, और वहां से अपन मैं अभी बताऊंगा एम ए कैसे एम बी कैसे कैलकुलेट करेंगे। रखो देखो 1.86 इंटू डब्ल्यू बी कितना है 45 अपॉन, ये देखो कैसे, देखो फॉर्मूला क्या है, सी एस टू ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एस टू ओ एच है ना। अब देखो हियर टू कार्बन मींस 24, 12 इनटू 2 24, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 4 प्लस 2 6 दैट इज 6 प्लस 2 ऑक्सीजन 32 दैट इज 62। ये आ गया आपके पास 62 मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन कितना आएगा 600। ठीक है सर, कितना आएगा देखो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन लोग, तो अपन इसको जब सॉल्व करेंगे रहेगा 2.25 केल्विन। डेल टीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 2.25 केल्विन, अपने डेल टीएफ की वैल्यू आ गई। चलिए अपने को क्या चाहिए, सॉल्यूशन का टेम्परेचर चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना देखा, डेल टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ। डेल टीएफ अभी अपने कैलकुलेट किया, टीएफ क्या है सॉल्यूशन का और टीएफ नॉट क्या है द temperature of freezing of pure solvent। देखिए तो देखो डेल टी एफ हमने अभी कैलकुलेट किया 2.25 is equal to TF not, what is the TF not? TF not is the pure solvent। pure solvent कौन है, water, और water का freezing point कितना होता है 273 है ना, 0 degree celsius, तो convert करेंगे 273 है ना, minus इसको अपन डेल टी एफ कैलकुलेट करें। अब डेल टी एफ चाहिए तो सर इसको इधर ले जाओ, डेल टी एफ इधर आ गया, TF is equal to 273.2.25, तो TF की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 270.75 केल्विन आपके पास। ये आपके पास आ गया क्या, प्योर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन कम टेंपरेचर, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहां से देखो ये 273 पे हो रहा था, ये 270 पे ही फ्रीज हो रहा है। ठीक है सर, ये आपका इक्वेशन हो गया। चलिए एक और न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात करते हैं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी 0.68 केल्विन ऑन डिसॉल्विंग 25.6 ग्राम सल्फर इन 1000 ग्राम नेफ्थलीन। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर सल्फर, क्या फाइंड करना है, फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। के फॉर नेफ्थलीन इज इक्वल टू 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चलिए चलिए आंसर करते हैं इसका, बहुत इजी। चलिए फार्मूला देखिए, पहले सबसे पहले तो अपने को तो फाइंड आउट क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने से पहले अपने मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर
weight of solute is equal to what is Kf upon del Tf into Wb upon Wa into 1000. चलिए जो जो वैल्यूज है अपने पास देखिए, Kf की वैल्यू दे रखी है, del Tf ये रहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, Wb वेट ऑफ सॉल्यूट ये रहा, Wa क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, चारों चीजें हैं लगा दें तो सर Mb इज इक्वल टू Kf क्या है बेटा, Kf इज 6.8 अपॉन del Tf 0.68 इनटू Wb 25.6 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 1000 है ना, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया। चलिए ये पॉइंट गया नीचे आया 10, ये पॉइंट गया ऊपर आया 100, 10 से 0 68 से 68 कैंसिल आउट, तो पीछे क्या रहा सर Mb इज इक्वल टू क्या रहा 10 इनटू 25.6 दैट इज द Mb इज इक्वल टू 256 ग्राम। ये तो क्या आया मॉलिक्यूलर वेट आया, अपने को क्या कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए कैलकुलेट कर रहे बहुत इजी प्रोसेस है, चलिए अपन मान लेते हैं जस्ट इमेज इन दैट सल्फर का जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज एस एस, इफ मैंने सल्फर के एक्स मॉलिक्यूल है ना, तो देखेंगे सर तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट वेट ऑफ सल्फर इज क्या होगा, देखिए एक का कितना होगा 38 इंटू कितने पार्टिकल जुड़े हुए हैं, तो देखेंगे सर 32 इंटू एक्स इज इक्वल टू टोटल कितना आया अभी जस्ट फाइंड आउट किया था 256। अब x की वैल्यू देखेंगे यार x इज 256 डिवाइड बाय 32 256 डिवाइड बाय 32 क्या कट कर दो कितना आया 8 तक x की वैल्यू कितना है तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज s, x की वैल्यू कितनी आई 8 यानी ये आपका क्या आ गया आंसर, अपना ये तो फाइंड आउट करना था डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर क्या आया s 8 आया। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके से अपन लोगों ने थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट की विद डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। ओके थैंक यू, इन चीज को लर्न करेंगे।